तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करने की दो टेक्निक्स हैं, एक हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड दूसरी है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो हार्डवायर्ड हम देख चुके हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर माइक्रो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जबकि हार्डवायर्ड में क्या था, हम कुछ लॉजिक गेट्स सर्किट्स यूज कर रहे थे, लॉजिक सर्किट्स यूज कर रहे थे जिनके थ्रू जो है कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा था। तो वो हार्डवेयर अप्रोच थी, ये प्रोग्रामिंग अप्रोच है। तो इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग अप्रोच। अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस आर कैरीड आउट बाय एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं, जो किसके अंदर होते हैं, माइक्रो एक्चुअली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो माइक्रो प्रोग्राम में क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। तो जब भी किसी कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में, तो माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है इसका मतलब है उसके अंदर जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं और उन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं, तो सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस वो एग्जीक्यूट होते हैं किसी भी कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। तो माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द कंट्रोल मेमोरी ऑफ द कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर एक कंट्रोल मेमोरी होती है, उसके अंदर क्या स्टोर रहते हैं, ये माइक्रो प्रोग्राम। और माइक्रो प्रोग्राम में क्या होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर स्टोर होते हैं, कंट्रोल मेमोरी ऑफ द कंट्रोल यूनिट। एग्जीक्यूशन ऑफ ए माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ ए सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पे डिपेंड करता है कि कितने कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर क्या करता है, नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होना है उसकी एड्रेस कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में जाती है, और कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस है उसके करस्पॉन्डिंग कंट्रोल मेमोरी में वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होगा वो फैच होगा और जाके किस में स्टोर हो जाएगा, कंट्रोल डेटा रजिस्टर में। और यहाँ से कंट्रोल डेटा रजिस्टर से जो है कंट्रोल वर्ड फाइंड आउट कर लिया जाएगा, जिसमें क्या होंगे, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस होंगे जो एग्जीक्यूट होंगे और एग्जीक्यूट होकर करस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेंगे। फिर कंट्रोल डेटा रजिस्टर से नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के पास जाएगी, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर से फिर से कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास वो एड्रेस जाएगी, उस एड्रेस पे जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगा वो कंट्रोल डेटा रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, कंट्रोल जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल डेटा रजिस्टर में आया उसे कंट्रोल वर्ड एक्सेस कर लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट एड्रेस जनरेट कर दी जाएगी। तो इस टाइप से जो है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट वर्क करती है। तो द एड्रेस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। जिस भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है उसकी एड्रेस किस में स्टोर रहती है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होनी चाहिए। माइक्रो इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू द एड्रेस स्टोर्ड इन कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर इज फेच्ड फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी एंड स्टोर्ड इन द कंट्रोल डेटा रजिस्टर। तो इधर से वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन फैच किया जाता है उस एड्रेस पे जो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास है, वहाँ से फैच करके किस में स्टोर कर दिया जाता है, कंट्रोल डेटा रजिस्टर। दिस माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंटेन्स कंट्रोल वर्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर माइक्रो ऑपरेशन। और इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होते हैं, कंट्रोल वर्ड होते हैं जिसमें कंट्रोल वर्ड होता है जिसमें वन और मोर ऑपरेशन जो है जिनको एग्जीक्यूट करना होता है। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर कंट्रोल वर्ड होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन से जो है माइक्रो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने हैं। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑपरेशंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड। तो जब सारे माइक्रो ऑपरेशन उस माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन की एड्रेस लोकेट की जाती है, फिर से उसे कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में ऐड करके स्टोर करके और सेम सीक्वेंस रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती है।
तो एडवांटेजेस क्या हैं इस अप्रोच के, लेस कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन बिकॉज माइक्रो प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर रूटीन्स। तो लेस कॉम्प्लेक्स है इसको डिजाइन करना क्योंकि इसमें आपको प्रोग्रामिंग यूज करनी है सॉफ्टवेयर के रूटीन्स यानी कि प्रोसीजर्स और लाइब्रेरीज यूज करके। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज डिजाइन मॉडिफिकेशन करेक्शन एंड एनहांसमेंट इज ईजीली पॉसिबल। तो फ्लेक्सिबल है, आप इसमें डिज़ाइन में कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कोई करेक्शन करना हो या कुछ ऐड करना हो आप इजीली उसमें कर सकते हो, जबकि हार्ड वायर्ड में नहीं कर सकते थे। इट कैन बी चेंज्ड टू एकोमोडेट न्यू सिस्टम स्पेसिफिकेशन और टू करेक्ट द डिज़ाइन एरर्स क्विकली एंड चीपली। तो आप इसमें न्यू चेंजेस भी कर सकते हो, करेक्शंस भी कर सकते हो, जो एरर्स हैं उनको क्विकली करेक्ट कर सकते हो और ये आपको चीप भी पड़ेगा। लेस एरर प्रोन टू इम्प्लीमेंट, और इसमें एरर आने के चांसेस कम होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, इसको इम्प्लीमेंट करने में एरर्स आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ स्लोअर देन द हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट बिकॉज द टाइम इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी। तो ये स्लोअर होता है क्योंकि यहाँ पर हमें माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को पहले एक्सेस करना पड़ता है कंट्रोल मेमोरी से, उसके बाद उसके अंदर जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, इसीलिए ये स्लोअर है। नेक्स्ट क्या है, द डिज़ाइन ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज मोर देन हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट फॉर स्मॉलर सीपीयू। तो अगर स्मॉलर सीपीयू के लिए आप डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो तो माइक्रो प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में जो लगता है टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट।